बात बताएं, अगर इंसान बंदर से बना है तो बंदर क्यों है, इंसान क्यों नहीं बन गए? ताकि तुम ये सवाल पूछ सको, इसलिए। भाई तुम खुद बैठो ना, सोचो, अभी समझ आ जाएगा क्यों नहीं बने इंसान। वैसे बॉबी, बंदर इंसान कैसे बन सकता है? ना तो वो झूठ बोलता है और ना वो सिगरेट पीता है। बॉबी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम अंदर जाके पढ़ो, इसलिए कि हम सोच रहे हैं, हमें सोचना है। बॉबी जरा सोच कर ये बताओ कि कोई अगर अलग से तोहफा देना हो तो वो क्या हो? इतनी आसान सी बात है पप्पो, कोई भी गिफ्ट ले ले, अलग से जाके किसी को दे दे, अलग सा हो जाए। मामा मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक शख्स ने अपने बेटे को सड़क गिफ्ट की। कोई बहुत ही अमीर आदमी होगा। नहीं, भीख मांगने वाला था। मामा अगर गिफ्ट ही करना तो क्यों ना हम बंदर, मेरा मतलब है कोई भी जानवर। इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट देना चाहिए, आजकल हेयरिंग एड्स आए हुए हैं मार्केट पे, मैंने सुना है कि वो ना कहीं भी बैठे दूसरों की चुगलियां सुनाई देती है। हैं? कितने की है? वैसे ये मिसेस कमाल जो है ये कमाल की है, देखो जरा हर साल अपनी 25वीं सालगिरह मना लेती है। हाय सुंबल, मेरे भी वो 10 साल इतने अच्छे गुजरे जब मैं 25 साल की थी। मामा मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाते हैं? बर्थडे उनका मनाया जाता है जो डे में पैदा हुए हैं। सुंदर, मिसेस अशरफ ये कह रही थी कि तुमने मिसेस कमाल को तलाक का मशवरा दिया, और यही नहीं तुमने जोड़ा भी बना लिया पहनने के लिए। हाँ तो वो मुझे पूछ रही थी ना कि मुस्तकिल सरदर्द का क्या इलाज है, तो मैंने उसे ये कहा कि अगर 10-15 दिन पुराना है तो डॉक्टर से रजू करो, अगर 10-15 साल पुराना है तो फिर वकील से मशवरा करो। और सुना है कि मिसेस कमाल ने मिस्टर कमाल को अपनी सेक्रेटरी को लव लेटर डिक्टेट करते हुए पकड़ लिया। भाई मर्दों का भी कोई भरोसा नहीं। तुम्हें पता है जेपी क्या कह रहा था? कह रहा था मैं अपनी बीवी को पॉइजन दे दूंगा। दे दिया? हाँ पॉइजन परफ्यूम दे दिया। तो आप मिसेस कमाल को वेजिटेबल परफ्यूम दे देना, उन्हें वेजिटेबल्स का बहुत शौक है। खुदा का वास्ता है, मेरी 28वीं सालगिरह पर मिसेस कमाल ने मुझे डायमंड की रिंग तोहफे में दी थी। 28वीं सालगिरह पर? तो मामा ये तो पुरानी बात हुई ना। क्यों, पिछले साल की तो बात है ये। वैसे हमें उसे कोई लॉकेट या कोई सोने की चेन देनी चाहिए, ये इज्जत का मसला है, और कम से कम 10,000 का तोहफा तो जरूर होना चाहिए। सुंबल तुम भाई आजम से कहो ना कोई थोड़े से पैसे दे दे। पर वो देंगे नहीं, पिछले साल मैंने अपनी सालगिरह पे कहा आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे गले के लिए कुछ लेते आइएगा, स्ट्रेप्सिल्स ले आए। आजम तुम गाड़ी में बैठे हो? नहीं मेरा मतलब है कि कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ मैंने कुछ टूटे हुए पैसे रखे थे वो ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी ना फ्रेंड की सालगिरह है तो मैंने उसे गिफ्ट देना है, क्या दूंगी? बिजाहिर है तुम्हारी एज की होगी, उसे एक विश कार्ड दे दो जिसपे लिखा हो लाइफ बिगिंस एट 40। मैं 40 साल की रखती हूँ। नहीं ये तो 5 साल पुरानी बात कर रहे हो। आजम बताओ ना मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ, मेरा ख्याल है कोई 10-1 हज़ार का गिफ्ट होना चाहिए, कुछ तुम दे दो कुछ मैं डाल लेती हूँ। ठीक है 10 मैं दे देता हूँ, 1,000 तुम डाल लो। Okay, 10,000। तुम मजाक कर रहे हो ना, इससे पहले तुमने मुझसे पता कब मजाक किया था? 1992 में। मेरी और तुम्हारी शादी 92 में नहीं 72 में हुई थी। बहरहाल आज एक खुशखबरी मिलने वाली है। क्या? अभी नहीं बताऊंगा। मैं बताओ ना। नहीं अभी नहीं बताऊंगा। और तुम ऐसे करो कि तुम अपनी सहेली को एक बुक गिफ्ट कर दो, उससे पता क्या होगा? क्या? उससे ये होगा कि वो तुम्हें पढ़ी लिखी समझे। चाहिए मैं आपसे नहीं बोलती। शुक्रिया। सबके गिफ्ट इतने महंगे होंगे, पिछली पार्टी में सुंबल का गिफ्ट सबसे महंगा था। हाँ, और क्या? अब क्या करें? उनको फोन करके कह दें इमरजेंसी हो गई है नहीं आ सकते। ये ठीक है। मिसेस कमाल जी दरअसल इमरजेंसी हो गई है हम नहीं आ सकते। है? क्या हो गई है? क्या इमरजेंसी हो गई है? जी जी खैरियत है? नहीं है जी, नहीं है, तबीयत खराब है। है? किसकी? किसकी? मेरी नहीं। किसकी फिर? दादा की। खुश होने वाली क्या बात है जी, दादा की जी नहीं, मेरे दादा की नहीं, बॉबी के दादा की,
बड़े नेक बंदे हैं। अल्लाह के प्यारे। हाँ जी, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरा मतलब है कि मिसेस कमाल प्लीज, आप तो रोने लगी। नहीं मिसेस कमाल प्लीज, आप मत रोइए। देखिए मैं तो रो भी नहीं सकती, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा जी। बस देख लीजिए, इसी वजह से हम नहीं आ सकते। आप बुरा मत मनाइएगा, हम अगली बार आपकी 25वीं सालगिरह पर आ जाएंगे। सालगिरह मुबारक हो जी। शुक्रिया। वो मान गई कि बॉबी के दादा का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। वो तो इतने नेक हैं कि हर एक की उम्र दराजी की दुआएं मांगते रहते हैं। वो तो किसी के जनाजे पर भी अगर जाएं तो उसकी भी उम्र दराजी की दुआएं मांगते हैं। मामा आप झूठ ऐसे बोलती जैसे सच बोल रही हूँ। थैंक यू। आप न्यूज कास्टर क्यों नहीं सिलेक्ट हुई? चलो ये मसला तो हल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग बहुत खुश हैं भाई, मौसम एंजॉय हो रहा है। पापा ये मेरा आइडिया था दादा का। बॉबी किताब कहाँ है तुम्हारी, चलो जो के पढ़ो। आप अपनी सहेली की सालगिरह पे नहीं गई? हाँ, मैंने सोचा कि खर्चा बचाया जाए। हाँ वैसे भी पिछली दफा सोने की घड़ी दी थी। सोने की घड़ी? अबे दो घड़ी सोने नहीं दिया, पार्टी बहुत देर तक चली ना। हेलो जी, आजम बोल रहा हूँ जी। वकील साहब, अब्बा जी आए? क्या इंतकाल हो गया? ओह गुड, वेरी गुड जी, शुक्रिया। सच्ची इंतकाल हो गया? हमने तो ये मेरा आइडिया नहीं था। क्या हुआ भाई, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, हमें जमीनें मिलेंगी। आजम, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जमीनों की खातिर उनके इंतकाल पर खुश हो रहे हो। दादू, ये इंतकाल बहुत देर से हुआ, बहुत अरसे से इंतजार था इसका। सदमे से इनके दिमाग पे असर हो गया, मैं बता रही हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा जी के इंतकाल पर मेरा अपना भाई इतना खुश होगा। ओहो, अब्बा जी का इंतकाल नहीं हुआ नुसरत, जमीनों का इंतकाल हुआ है। हैं? हाँ। जमीनों का भी इंतकाल होता है? उनको कौन सी बीमारी थी? बहुत अरसे से अब्बा जी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे थे। अब जाके जमीन नाम हुई है तो ये तो खुशी की बात है ना। बॉबी मिठाई लेके आओ भाई फौरन। पापा ये मिठाई इंसान ही खाते हैं या बंदर भी? जाओ जाओ। यही तो है फैमिली फ्रंट। एक मुरब्बा मिला है, गाजर का या सेब का? खाने वाला मुरब्बा नहीं हुमा, ये जमीन होती है जो कि मुरब्बे की शक्ल में होती है। लेकिन हमें तो यही पढ़ाया गया है कि जमीन गोल होती है। वो मेरा ख्याल है सरकारी जमीन होती है जो गोल होती है। ये जो जमीन है ना, यहाँ पर पहले फुटबॉल ग्राउंड होता था। पप्पू आजकल तो फुट की जगह मीटर चलता है, तो इसे मीटर बॉल ग्राउंड क्यों नहीं कहते? पप्पी पता नहीं क्या करता है, हलवाई की दुकान पर जाकर बैठ ही गया। मिठाई लेने गया था वो, तो हलवाई की दुकान पे से तो सिर्फ हलवा ही मिलता है ना। अस्सलाम वालेकुम। चलो अंदर। जी जैसा आप कहें। आइए आइए आइए, आप लोग तो बहुत खुशी के मौके पर आए, अब हम जागीरदार हो गए हैं। आइए ना, बैठो बैठो, बात करो। जैसे आप कहती। वो जी बम दरअसल इंतकाल की खबर मिली, मरहूम बहुत अच्छे थे, मैं उनसे कभी मिला तो नहीं लेकिन लगता है मैं उनसे मिला हूँ। भाई आप तो रो रहे हैं, इनके कोई अजीज फौत हो गए हैं। ये ऐसे ही करते हैं, किसी मरने वाले घर चले जाएं तो ऐसा लगता है कि मरने वाला इन्हीं का रिश्तेदार था। मुझे दरअसल हमें मिसेस कमाल की पार्टी में आपके ससुर के इंतकाल की खबर मिली। मेरे ससुर के इंतकाल की खबर? जी हाँ जी हाँ, बहुत अफसोस। चले चले कोई बात नहीं है, आप ये बताएं आप क्या पियेंगे? हाँ क्या पियेंगे? क्या पियेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं शुक्रिया, वो मुझे जैसे ही खबर मिली मैं घर गई, ड्रेस चेंज किया। ये ड्रेस मैं अपने करीबी रिश्तेदारों में कोई इंतकाल कर जाए ना वहाँ पहन के जाती हूँ। मुझे दरअसल ये कलर इनका बड़ा फेवरेट है, जब हमारी शादी हुई थी ना तो तब भी इन्होंने यही पहना था। अशरफ जी, वैसे उनके मरने की उम्र तो नहीं थी, मरहूम की उम्र क्या थी वैसे?
मेरा ख्याल अगले साल तक वो सेंचुरी कर ही लेंगे। मरहूम क्रिकेटर थे? उनको गली में क्रिकेट और कूड़ा क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी फ्रेंड। इनमें से एक मियां और दूसरा बीवी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी खुशी। जा उठो, ताजियत करो, इनके वालिद थे, उठो। अच्छा। जी क्या हुआ, खैरियत है? कोई हादसा हुआ है? तो देखिए जी, वालिद के इंतकाल से बड़ा हादसा क्या हो सकता है। सॉरी, कब मरे आपके वालिद? इनके वालिद तो मरते ही रहते हैं, पिछले हफ्ते हम साई पे मर गए। सच्ची? अच्छा, आपके वालिद जिंदा हैं तो इसका मतलब है आपके ससुर फौत हुए, तो उस पे आप इतना रो क्यों रहे हैं? जी हम तो आपके वालिद के इंतकाल पे ताजियत करने आए हैं। मेरे वालिद के इंतकाल पे? लेकिन मेरे वालिद तो जिंदा हैं। एक मिनट। जरा मेरी बात सुनना। आप बैठिए प्लीज। हाँ। इनके वालिद ना एक हादसे में फौत हो गए थे, तो ये समझते हैं कि दूसरों के वालिद फौत हुए तो हर रोज ना किसी के घर ताजियत करने चले जाते। तो इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। नहीं, वो तो ये खुद है। अच्छा, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। किसका? माफ कीजिएगा, आप तशरीफ रखें, मुझे इजाजत दें। वो तो कह रहे थे मेरे वालिद जिंदा। मुझसे पूछे, ये डिनाइल है, दरअसल वो कबूल ही नहीं कर पा रहे कि उनके वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं। जब मेरी सास फौत हुई थी ना, तो मुझे कितने दिन यकीन ही नहीं आया था कि अशरफ कि वो वाकई मर चुकी। मुझे तो बेचारी नुसरत पे तरस आ रहा है, छोटी सी उम्र में यतीम हो गई। छोटी सी उम्र तक तो ठीक है। दिल दिल दादा जान जा जा। सलामकुम। अस्सलाम बेटी। इसे इंतकाल की खबर नहीं? हाँ, इसीलिए तो खुश हूँ। क्या होता है, शौक में ऐसा होता है? हाँ मामा, मेरे शौक डलने वाले हैं मोटरबाइक के। इन्होंने तो बहुत गहरा सदमा लिया जी। ये लीजिए मामा मिठाई, क्लियरेंस सेल से लेके आया हूँ। अब क्या मिठाई पर भी सेल लगती है? हाँ मामा, 150 रुपए किलो की जो मिठाई होती है ना, वो 300 रुपए किलो के बजाय 200 रुपए किलो में मिलती है। यस। पॉपी, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? दादा जान फौत हो गए हैं। दादा जान फिर फौत हो गए? वो पहले भी फौत होते रहे। बच्चा है, 20 साल पुराना बच्चा है। मरहूम की कुछ तस्वीरें दिखा दें। ये कौन है? पापा होंगे। क्या उन्हें अपने वालिद की मौत का कोई अफसोस नहीं है? नहीं, वो दरअसल सदमे की वजह से ना, उनको मिस्टर अशरफ से पूछिए, वो बताएंगे। बस सदमे की वजह से होता है ऐसा, असल में वो समझते हैं कि उनके वालिद अभी तक जिंदा है। ओह, अगर आप मुझे बता देती ना कि आज आपके ससुर की डेथ होनी है, तो मैं अपनी पार्टी आगे कर लेती। नहीं, वो सब कुछ दरअसल बिल्कुल अचानक हुआ। मैं फोन पे बात कर रही थी, नुसरत ने कहा कि अल्लाह को प्यारे, तो मेरा मतलब है कि अच्छा अच्छा, आखिरी बार वो नुसरत से बात कर रहे थे। बड़ी लाडली थी ना इनकी, इसीलिए तो अभी तक शादी नहीं की, अपने से जुदा नहीं किया ना। मैं तो उसी वक्त पहुंच जाती, पर वो मेरा वेडिंग ड्रेस नहीं ना तैयार था, तरसी ने देर कर दी। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसका वेडिंग ड्रेस तैयार होना था, वो जो फिल्मों में काम करती है ना, वही वाली, तो उसका दर्जी ने इतना लेट कर दिया कि उसको तलाक के मौके पर पहनना पड़ा। हाँ, एक सूट में एक हफ्ता लगाते हैं दर्जी। जुम्बल जी। ओह
जी सुंबल ये क्या हो रहा है ये लोग क्यों आए हुए हैं अब वो जमीन के इंतकाल की खुशी में ना वो मेरा मतलब है जरा सी खुशी नहीं बचती है सबको बता दिया कि जमीन मिल गई चले जाएंगे कमाल चाहे जाके आजम साहब से ताजियत करें लेकिन जाके ये मत कहना कि उनके वालिद फौत हो चुके हैं वो अभी डिनाइल में है बिल्कुल ठीक है मैं कहूंगा कि ये झूठ है हमारे घर कोई नहीं आ सकता मैं किसी को नहीं बुला सकती क्यों क्यों हेलो ये वो जो खातून बैठी हैं ये मिसेस कमाल है मैं इनका खामिंद हूँ मुझे मालूम है कि ये सब झूठ है आपके वालिद फौत नहीं हुए क्या मतलब मिसेस कमाल को पता चल गया कि हम क्या हम कि इंतकाल के बाद हम जमीनों वाले हो गए हैं बड़ी खुशी की बात है जी हाँ बहुत खुशी की बात है आप लड्डू खिलाइए इन्हें प्लीज बैठिए मैं जरा थोड़ा काम कर लूं प्लीज बैठिए अब आइए लड्डू खाते हैं बैठिए ना ओह शुक्र है ये देखिए ये ना ये देखिए मामा ये दादा की तब की तस्वीर है जब वो बच्चे थे हाय जब वो बच्चे होते थे तो हमारे दादाजी नहीं होते थे वो तो बाद में बने थे दिस स्मार्ट है मेरे ससुर जवानी में इतने ताकतवर थे कि उनके ऊपर से ट्रैक्टर भी गुजर जाता था ना उन्हें खराश नहीं आती थी तो मेरे दादू भी इतने ताकतवर हैं उनपे से जहाज भी गुजर जाए तो उनको खराश नहीं आती इस तस्वीर में तो लग रहा है मुझे ही घूर रहे हैं मेरे ससुर ऐसे नहीं रात वाली फिल्म में भी वो मुर्दे की तस्वीर को ऐसे ही घूर रहा था मुर्दे ने बाहर निकल के उसी को दबोच लिया हाँ हाँ बॉबी ठीक कह रहा है रूहें भटकती रहती हैं हमारे घर तो एक अंग्रेज की रूह थी सारी रात अखबार पढ़ती रहती थी लेकिन हमने भी उससे जान छुड़ा ली कैसे हमने अंग्रेजी अखबार लेना बंद कर दिया उसकी जगह उर्दू अखबार लगवा लिया अंग्रेज को उर्दू पढ़नी नहीं आती थी ना अंग्रेजी रूह थी क्या रूहें वाकई होती वो ट्रेन में बैठे हुए एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि तुम रूहों पे यकीन रखते हो उसने कहा नहीं पहला शख्स गायब हो गया क्या मतलब कमाल चलें घर चलते हैं बच्चे घर पे अकेले बिल्कुल अकेले अच्छा जी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे इतनी गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं भाई मर्ग हो गया जी हाँ बॉबी का दादा फौत हो गया दादा फौत हो गया सुना था कि मुजरम की गैर मौजूदगी में उसको फांसी मिल जाती है लेकिन ये पहली मर्तबा सुना है कि इंसान की गैर मौजूदगी में बंदा फौत हो गया कमाल क्या वाकई रूहें होती हैं हाँ हाँ आप कहाँ से आ रहे हैं अंदर से मर किसकी हुई वो बॉबी के दादा की और भूत भी बॉबी का दादा भूत आपके ससुर की शादी के जबरदस्ती हुई थी देखिए तो कितने घबराए घबराए लग रहे हैं वो पहली शादी में होता है ऐसे क्या नहीं पता क्या बात है मेरे ससुर जो थे ना वो कहते थे मैं बीवी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा पर्दे के बहुत हक में थे तो ये तस्वीर जो है ना ये पर्दे वाले कैमरे से खींची है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है आजकल ऐसे बुजुर्ग बेचारे कहाँ बच्चों के साथ तो बिल्कुल बच्चा हो जाते थे वैसे उन्होंने वसीयत किस जुबान में की है मेरे दादा जब फौत हुए थे उन्होंने अंग्रेजी जुबान में वसीयत की थी वो बहुत पढ़े लिखे थे ना वैसे देखने में तो ये भी पढ़े लिखे ही लग रहे हैं ये पढ़े लिखे हैं बहुत सी जुबानें जानते थे मैं एक तस्वीर है उसमें वो किताब पढ़े हम पूछ रहे थे तो नजर आ रहा कितनी दफा बता चुकी हूँ मेरी नजर ठीक है
कहाँ गई? अपनी ऐनक का नंबर ठीक करवाओ। हम पूछ रहे थे तुम्हें नजर आ रहा है। ये देखिए क्या हुआ? आप तो कांप रही है मिसेज अशरफ। आप भी क्या बात है कि ठंड लग रही है? कंबल ला दो। अच्छा छोड़िए, आप ये किताब ये देखिए, ये है वो तस्वीर जिसमें वो किताब पढ़ रहे हैं। जी जी देखिए ना बॉबी, संभल संभल भाई, कौन फौत हो गया है भाई? दादाजी फौत। दादाजी